उसमें आपको विटामिन बी 12 और विटामिन बी 3 के बारे में बताएंगे, इनकी हमारी जिंदगी में क्या खासियत है और कौन कौन सी डिजाइन है विटामिन बी 3 में। वैसे तो हर विटामिन हमारे जिस्म के लिए अहम है, लेकिन आज मैं सिर्फ दो का जिक्र करूंगी। और मैं सबसे पहले विटामिन बी 12, ये एक ऐसा विटामिन है जिसको खुराक में ना लेने की वजह से खून में कमी वाक्य हो जाती है। आप सोचते होंगे खून में हीमोग्लोबिन बनाता है, तो विटामिन बी 12 का इसमें क्या काम? यह खून के सुर्ख खुलियों में बनने में मदद करता है और नर्व्स को सेहतमंद रखता है। अगर जिस्म में विटामिन बी 12 नहीं होगा तो खून के ये सुर्ख खुलिये तकसीम नहीं होंगे और बहुत बड़े स्पंज की शक्ल इख्तियार कर लेंगे। क्योंकि खून के सुर्ख खुलिये ऑक्सीजन प्रदान करने का भी जरिया है और ऑक्सीजन की तरसील का काम भी करते हैं, लेकिन जो कि ये नहीं बन रहे या बहुत मॉलिक्यूल की सूरत में बन रहे हैं, तो जिस्म को ऑक्सीजन की सप्लाई मुनासिब मकदार में नहीं होगी, जिसकी वजह से आपको थकन और सांस फूलने की शिकायत होगी। विटामिन बी 12 में कमी की वजह, मेदे में कुछ खास खुलिये होते हैं जो कि विटामिन बी 12 को हजम करने में मदद करते हैं, लेकिन कुछ लोगों में अद्वियात की वजह से या फिर मेदे की सर्जरी की वजह से ये खुलिये उनके डैमेज हो जाते हैं या फिर इसको विटामिन बी 12 को हजम नहीं कर पाते, जिसकी वजह से आपको खून में कमी के साथ साथ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम और याददाश्त में कमी भी वाक्य हो सकती है। विटामिन बी 12 नट्स, बीन्स, दूध, गोश्त और अंडों में वाफर मिक्सचर में पाया जाता है। अगला हमारा विटामिन है विटामिन डी 3। विटामिन डी 3 भी ग़िज़ा का एक अहम हिस्सा है जो कि कैल्शियम को हजम करने में मदद करता है। कैल्शियम और विटामिन डी मिलकर हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाते हैं। सफेद, इसे सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। सफेद रंग के लोग 20 मिनट सूरज की रोशनी में 20,000 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी 3 के हासिल कर सकते हैं। इसकी कमी बच्चों और बड़ों में अमूमन पाई जाती है या फिर उन इलाकों में जहां पर सूरज की रोशनी मुनासिब मकदार में मुयसर ना हो। मछली, कॉड लिवर ऑयल और अंडे की सर्दी में ये विटामिन पाया जाता है, इसलिए जरूरी है कि इन ग़िज़ाओं को अपने रोजमर्रा रूटीन में शामिल करें। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है।